गाजीपुर जनपद के जखनिया स्थानीय क्षेत्र के इमाबंशी गांव में सऊदी अरब कमाने गए युवक का शव 3 महीने बाद बृहस्पतिवार की सुबह घर आने के बाद कोहराम मच गया। इमाबंशी गांव निवासी ज्ञानेंद्र पाल 32 वर्ष ड्राइवर की नौकरी के लिए सऊदी अरब 25 फरवरी को गया था। वहां जाने के बाद जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां ड्राइवर के अतिरिक्त अन्य कार्य कराया जाने लगा, जिससे तंग होकर वह घर वालों को बताया कि यहां उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञानेंद्र 25 अप्रैल की शाम को अंतिम बार अपने परिजनों से बात कर सारी बात बताई। उसके बाद से उसके मोबाइल पर फोन लगना और आना बंद हो गया। परिजनों ने अनहोनी की आशंका को देखते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गुहार लगाई। इसके 3 महीने बाद शव आज सुबह घर आया। मृतक की शादी 4 वर्ष पूर्व आजमगढ़ के डागरा गांव में हुई थी। 2 बच्चे भी हैं। पत्नी ने बताया कि जिस कंपनी में मेरे पति काम करने गए थे उसी के मालिक व लड़के ने मिलकर उनकी हत्या कर दी है। इसी मामले में कंपनी मालिक वहां की जेल में बंद है और उसके लड़के की तलाश की जा रही है। शव आते ही घर में कोहराम मच गया। बच्चे व पत्नी सहित पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल था।